आधा काम इसमें ही हो तो हमने कैसे कैसे प्रेजेंट चिल्ला के देखा इसके पीछे ऑडियंस लाफ्टर बहुत सालों बाद ऐसे कॉलेज में और इतने सारे लोग देख रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है बहुत। ऐसे हमारे टाइम पे तो हम लोग खुद कॉलेज नहीं जाते थे, हम लोग स्टेशन का शक्ल देके फिर घर पे आते थे। अरे छोड़ रहे यार जाएगा ऐसे घर पे बाहर। एक बार तो ऐसे जाते थे, देखा प्रैक्टिकल है क्या, नहीं है, चल ठीक है मैं घर जा रहा हूँ। तुम्हारे भी इधर ऐसे होता है लेक्चर अटेंड कोई नहीं करता है? मैम आपको सबूत मिल गया कैमरा में खत्म। ब्लैक लिस्ट, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे सब लिस्ट निकलेगी अभी। एक्चुअली इन्होंने मेरे को पैसे दिए थे कि बच्चों से बुलवाओ, क्या पैसे के लिए कुछ भी करेगा अपना यूट्यूब पे नहीं करता है तो कहाँ से कमाएगा, ऐसी चीज़ें करके कमाएगा, ऐसा रहता है। यू हैव बीन अ रियली ग्रेट ऑडियंस, रियली रियली ग्रेट। और एक और चीज़ पूछता हूँ, पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे? दिल से बोलो, दिल से, दिल से बोलो। हाँ ये जो नहीं बोल रहा है ना, एक टाइम मैं भी उनमें से था, कोई देखो मत लेकिन नहीं, मतलब पीछे छुप के एकदम तीसरे जगह चिल्ला के बोलेगा ऐसा। बट फिर हमारे यहाँ पे भी ऐसे आते थे लोग, फिर हमारी ऐसे खींच के निकालते थे। तो तुमको ऑडियंस मिल गया, ऐसे सबूत मिल गया अभी कैमरा पे, अभी हमारी लगी थी, तुम सभी भी लगनी चाहिए। यही होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में सबको। कैसे था ना, पहले ज़माने में भी इंजीनियरिंग होती थी 70s 80s में, बताया नहीं हम लोग को, बड़े लोगों ने बताया नहीं, बेटा इंजीनियरिंग ले बहुत स्कोप है। उनको खुद को पता था स्कोप नहीं है, लेके अभी क्या करेगा, मेरा लगा है तुम्हारा भी लगना चाहिए। अभी हम भी अपने बच्चों को यही बोलेंगे, बेटा इंजीनियरिंग ले, मेरी ली अभी तेरी भी लेगी। ये होता है गेम। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और दीदी अच्छा